पर तकनीकी रूप से बेहद अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर है। हमारे साथ सुमन चक्रवर्ती जुड़े हैं, फाउंडर एमडी एंड सीईओ चीफ इक्विटीज के। सुमन जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। क्या करें निफ्टी पे 6700 के लेवल के बेहद पास पहुंच गए हैं, क्या लगता है ये लेवल बचा पाएंगे या फिर बाजार पर दबाव ही बना रहेगा? निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा चौपी रहेगा, प्लस नेगेटिव बायस है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगा। अगर आप ग्लोबल क्यूज देखें वो भी मिक्स्ड है, एफआईआई भी अगर देखें कि अपने 9 सत्र के बाद उन्होंने सेलिंग थोड़ा सा किए थे, उन्होंने फ्राइडे में जहां उन्होंने 400 करोड़ का सेलिंग किया था, कल भी वो नेट सेलर था इक्विटी में, हालांकि अमाउंट बहुत छोटा था 21 करोड़ का था, पर एफएनओ में उन्होंने 1200 करोड़ का नेट सेलिंग का अमाउंट है उनका। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर आप देखें रुपीज भी कल वीक हुआ था, प्लस स्काईमेट ने जो उन्होंने एक आशंका जताई है कि 40% प्रोबेबिलिटी है कि मॉनसून वीक रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बायस पूरा मार्केट में आ चुका है। तो लगता है यहां से थोड़ा सा निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। निफ्टी में हमारा आज का सेलिंग का रहेगा विद अ टारगेट ऑफ आपका 6690 एंड 6650 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 6755। ठीक है, दबाव रहेगा और 6690 उसके बाद 6650 तक के स्तर आप देख रहे हैं, ऊपरी स्तरों पर फिर से बिकवाली हावी हो सकती है, पर ओवरऑल बैंक निफ्टी पे आपका नजरिया, वहां पर क्या लक्ष्य निकलते हैं? बैंक निफ्टी में अगर आप देखें एक पूरे बैंक निफ्टी में या पूरा बैंकिंग स्पेस में एक सेलिंग नजर आ रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी आज के दिन में सेलिंग ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पूरे बैंकिंग पैक में ही अगर देखें, बैंकिंग स्टॉक सभी में हो सकता है मुनाफा वसूली आ सकता है। बैंक निफ्टी में हमारा आज सेल का कॉल रहेगा विद टारगेट ऑफ 12355 और टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑफ 12761। कल बैंकिंग स्टॉक जोरदार टूटे, सभी बैंकिंग स्टॉक्स में मुनाफा वसूली थी, आज फॉलोअप सेलिंग देखने को मिल सकती है। 12355 तक के लक्ष्य बैंक निफ्टी पे। पहला काउंटर कौन सा रखें पोर्टफोलियो में जहां पर आप समझते हैं सुमन जी की आज कमाई मोटी हो सकती है? इंट्राडे के बेसिस में अगर देखें तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में आज बाई करके ट्रेड किया जा सकता है। कल के सत्र में अगर देखें होंगे इंडिया बुल्स ने बहुत ही स्ट्रांग एक अपमूव दिखाया था विद ए गुड वॉल्यूम। यहां पर मोमेंटम ट्रेडिंग एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं विद ए हंट फॉर ए क्विक गेन्स। तो एक्सपेक्टेशन है कि आज इंट्राडे में इंडिया बुल्स थोड़ा स्ट्रांग रहेगा विद ए टारगेट ऑफ 6750 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 62। चलिए 62 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा ले। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे आप दाव लगाएं, रियल एस्टेट पैक में कल मुनाफा वसूली थी पर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट चढ़ा 64 के लेवल तक पहुंच गया और अब 67.5 तक के लक्ष्य, 62 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। तेजी खेले इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में, सुमन का ऐसा मानना है। सुमन जी दूसरा स्टॉक आज के लिए कौन सा होगा आपके रडार पर? ये दूसरा स्टॉक आईटी इस सेक्टर से है, ये विप्रो है। विप्रो ने अपने बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस ऑफ 568 को एक ब्रेकआउट दिया है, सिग्नलिंग ए गुड अपमूव इन ए नियर टर्म। अगर आप देखें उनका विप्रो के चार्ट में भी वो डबल बॉटम क्रिएट किया है जो बहुत ही अच्छा बुलिश सिग्नल है। आज विप्रो में ट्रेड कर किया जा सकता है विद ए बाइंग एंड टारगेट ऑफ 607 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 581। 607 तक पहुंच जाएगा और 581 पर ये जो चाल है ये डिफाइन हो जाएगी टीसीएस के जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो। पर नतीजे लगते कैसे हैं आपको टीसीएस के, क्योंकि यहां पर जिस तरीके का मोमेंटम बना है रिजल्ट्स का तो इंपैक्ट होगा ही, पर चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, कहां तक जा सकता है टीसीएस? टीसीएस का रिजल्ट है, टीसीएस का एक्सपेक्टेशन है कि कल के इंफोसिस के रिजल्ट के बाद बहुत ही अच्छा होगा। ओवरऑल अगर आईटी पैक में देखें तो टीसीएस विल लीड और हमारा एक्सपेक्टेशन है विप्रो का भी रिजल्ट बहुत अच्छा होने का एक्सपेक्टेशन है। प्लस विप्रो को कल अगर आप देखें उनको मर्जर जो अपनी सब्सिडियरी है उसके साथ उनको मर्जर का उनको परमिशन भी मिल चुका है। तो टीसीएस अगर विप्रो देखें इन्हें आज के लिए इंट्राडे 607 है, पर लॉन्ग टर्म में अगर देखें 650 का टारगेट हम अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हैं। चलिए, पर मेरा सवाल टीसीएस पे था स्पेसिफिकली, क्योंकि काफी निवेशक जो है वो इस काउंटर पे कल काफी लॉन्ग करके गए हैं। ओवरऑल अच्छा स्ट्रक्चर है विप्रो में जो आपकी कॉल है उसमें, बेहतर लक्ष्य आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 607 का लक्ष्य और 581 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और टीसीएस के नतीजों पर आज बाजार की नजर रहेगी। साफ तौर पर कल बाजार का आउट परफॉर्मेंस 4% की तेजी बनी, पूरे आईटी पैक में तेजी थी। तीसरा स्टॉक आज के लिए सुमन जी आपके रडार पर जो है कौन सा? तीसरा शेयर है बैंकिंग पैक्स से रहेगा, ये आईसीआईसीआई बैंक है, इसमें हमारा सेल का कॉल है। अगर आप देखें ये एक बियरिश ट्रेंड में चल रहा है अभी, आईसीआईसीआई बैंक बीते कुछ दिनों से एक बियरिश मोड में है, तो आज के लिए इसका सेलिंग का रहेगा विद अ टारगेट ऑफ 1200 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 1226। बैंकिंग पे दबाव था, आईसीआईसीआई बैंक टूटा, अब 1200 तक पहुंच जाएगा, 1226 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और अभी भी मंदी खेलनी है। आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा वीक पड़ता हुआ नजर आया है, आप शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं 1200 तक के लक्ष्य के लिए। पूरे बैंकिंग स्पेस पे सुमन मानते हैं कि आज दबाव देखने को मिल सकता है। चौथा ट्रेड क्या बनाए सुमन जी?
चौथा शेयर ये सीएससी रहेगा जो इलेक्ट्रिक कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन। स्टॉक लास्ट एक महीना में 25% ऑलरेडी ग्रो कर चुका है, प्लस अपना 52 वीक हाई कल इन्होंने दिया था। प्लस अगर एक देखें कि अभी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, एक्सपेक्टेशन है क्योंकि ये बहुत बढ़ चुका है, तो यहां पर हम लोग आज सेल का सजेशन दे रहे हैं विद अ टारगेट ऑफ 505 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 520। चलिए, एक नेगेटिव ट्रेड है, 505 तक सीएससी जा सकता है, 520 का एक स्टॉप लॉस बनाना है। पर क्या ये स्ट्रक्चर जो जितना मजबूत है लगातार बढ़ रहा है, ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देखें जो आप कॉल दे रहे हैं, एग्रेसिव शॉर्ट्स ओपन की गुंजाइश है कि यहां पर सीएससी में? नहीं, अभी भी एग्रेसिव शॉर्ट बुकिंग की गंजाइश नहीं, पर चार्ट में कहीं ना एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा रजत जी विद ए ह्यूज वॉल्यूम। कल के दिन में अगर आप देखें, उन्होंने अपना जो 52 बुक हाई बनाया था पर क्लोजिंग दिया लास्ट डे के क्लोजिंग के नीचे, तो एक कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है करंट लेवल पे। बीते कुछ दिनों से सीएससी बहुत ही स्ट्रांग बाई में बहुत ही अपमूव दिया था, फर्दर अगर इसमें अगर कुछ अप ट्रेंड आना है तो वो आपका क्वार्टर फोर का रिजल्ट और एनुअल रिटर्न में अगर कुछ अच्छा होता है तो इट कैन क्रॉस बियॉन्ड 600। चलिए ठीक है, तो पर फिलहाल अभी मुनाफा वसूली है और ये स्ट्रक्चर टूट सकता है 505-506 तक के जोन के लिए, आप बिकवाली करके चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है वो 520 का लगाना है सीएससी पे। सुमन जी ऐसे मानते हैं, सुमन जी आपके चार स्टॉक सोच रहे हैं, एक स्टॉक और लेंगे ब्रेक के बाद, पर आप भी इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दर्शकों खासतौर से हम मौका देते हैं ट्रेड गुरु सेगमेंट में। ट्रेड गुरु एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप अपना हुनर दिखा सकते हैं, बाजार पर कितनी पकड़ है आपकी वो बता सकते हैं। अगर आपके रडार पर कोई भी ऐसा शेयर है जो बाजार पर चढ़ेगा या फिर जिसमें जोरदार बिकवाली आ सकती है, आप उसका टारगेट बता सकते हैं, तो वो हमको टाइप करके लिखकर भेज दें एसएमएस के जरिए। पहले आप गुरु लिखें, उसके बाद अपने शेयर का नाम, उसका टारगेट, उसका स्टॉप लॉस लिखें और हमें भेज दें 575-575 पर बाजार खुलने से पहले पहले। और याद यही रहे कि इस शो के दौरान जो कॉल्स आपको बताई गई हैं उसमें वो कॉल नहीं होनी चाहिए। अगर आप लकी होंगे, आपका टारगेट हिट हुआ, तो आपको इस सेगमेंट में जरूर शामिल किया जाएगा और हम जानेंगे आपकी ट्रेडिंग रणनीति। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 20 ऐसे मुनाफे के सौदे जो आज आपको इंट्राडे में ही जोरदार कमाई करा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते हैं। शहरों में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, 25 डिलीवर्ड, 30 से ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन। इनको देख के मैं ये कह सकता हूँ, इफ आई एम द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, देन आम्रपाली ग्रुप इज द कैप्टन ऑफ रियल एस्टेट। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। आइए मैं आपको हमारे अन्नदाता से मिलवाता हूँ। लोग इन्हें किसान कहते हैं। ये वो है जो धरती को चीर उसके दिल में बीज बोते हैं, हर सुबह हर दिन 12 मास संघर्ष कर रहे हैं। हम तो बस खेतों में इनका साथ दे रहे हैं, बूंदों की जगह लहरों की बौछार दे रहे हैं। हम हैं देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। Let's dream a home. Let's hope a dream for a smile and love. Children of tomorrow, we're building the future, we're building the future, we're building the future. In Exerbia, the future is in Exerbia. Exerbia, भविष्य का निर्माण आपके लिए। आपको याद है ना, चुनाव आने वाले हैं, तो इस बार आगे बढ़कर अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि आपका एक वोट देश की तकदीर और आपकी तकदीर बदल सकता है, क्योंकि आपका वोट बेहद जरूरी है, आपका वोट आपकी ताकत है। अजी मीडिया इनिशिएटिव। ये शेयर बाजार नहीं, शेयर बाजार। यहाँ नहीं है कमजोर दलालों का कोई काम, आपका नहीं है इसकी सवाल, इसलिए आपको चाहिए एक सही और सटीक सलाहकार। जानिए हमारे साथ, आपका शेयर शेर है या शेर की खाल में छुपा कोई भेड़िया, कब तक हो इस पर सवाल और कब पाए इस्तीफा, जानिए हमारे एक्सपर्ट से। शेयर बाजार सोमवार शाम 4:30 बजे, शनिवार रात 11:30 बजे और रविवार शाम 5:30 बजे। आ
आप देख रहे हैं फास्ट मनी और सुमन चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता रहे हैं कि आज की ट्रेडिंग रणनीति आप क्या रखें, कौन से स्टॉक्स हैं जो आज आपको मोटी कमाई करा सकते हैं। पर फिलहाल एसडीएक्स निफ्टी से एटलीस्ट यहां पर प्रॉफिट बुकिंग के ही संकेत हैं, मुनाफा वसूली कर भी रहे हैं ट्रेडर्स, एफआईआई लगातार दो ट्रेडिंग सेशन से माल जो है वो बेच रहे हैं कैश मार्केट में। फिलहाल एसडीएक्स निफ्टी से थोड़े वीकेस्ट संकेत हैं, पर निके और अन्य एशियन मार्केट से कुछ पॉजिटिव रुझान इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है। सुमन जी, पांचवा स्टॉक आज के लिए जो अच्छी कमाई करा सकता है कौन सा होगा आपका? पांचवा स्टॉक रजत जी ये मैकडेड रसल है। मैकडेड रसल अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है, तो एक शॉर्ट टर्म एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है बीते कुछ दिनों से मैकडेड रसल, तो आज सेल का कॉल है विद अ टारगेट ऑफ 269 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 277। चलिए मैकलॉयड रसल पे दाव लगाना है, 269 का लक्ष्य और 277 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है। आप बिकवाली करके चलें, वीक स्ट्रक्चर हो गया है, 269 का लक्ष्य और 277 का एक स्टॉप लॉस, पांचों ट्रेड्स आपने बता दिए। पर ओवरऑल इस समय मार्केट आपको लग कैसे रही है? ये जो पैसा निकला है कल इन्फ्लेशन डेटा के बाद और खासतौर से जो उससे पहले शुक्रवार को जो आईपी डेटा आया था वहां पर जो मुनाफा वसूली हुई है एग्रेसिव काउंटर्स पे और डिफेंसिस की तरफ पोर्टफोलियो शिफ्ट हो रहा है, क्या यही रुझान चलता रहेगा या फिर बिल्कुल काउंटर स्पेसिफिक होकर चलें? नहीं, अगर आप देखें कि कहीं ना कहीं मार्केट लग रहा है एक डिस्काउंट कर चुका है कि एनडीए गवर्नमेंट आ जाएगा फर्दर, अगर नेक्स्ट अगर अपमूव होगा तो वो मे सीरीज में ही नजर आएगा, क्योंकि मे सीरीज में अगर देखें इलेक्शन का रिजल्ट आएगा प्लस नया गवर्नमेंट बनेगा, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन आएगा कि नया पॉलिसी मैटर क्या रहे, तो एक डिफेंसिव की तरह का ये एक रुझान थोड़ा सा बढ़ गया। जैसे फार्मा या आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर एज ए पैक पूरा स्ट्रांग लग रहा है, प्लस आप फार्मा सेक्टर में भी अगर देखें तो बीते कुछ दिनों से बाइंग नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं मिक्स बैग है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है अगर रिजल्ट अच्छा हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बाइंग नजर फिर से आ जाए। चलिए, कुछ ऐसे काउंटर्स थे जहां पर कल मुनाफा वसूली ज्यादा हावी हुई, उसमें मेटल काउंटर्स भी शामिल थे। बैंकिंग में तो मुनाफा वसूली थी ही, पर मेटल काउंटर्स कैसे लग रहे हैं? क्या चार्ट्स थोड़े डैमेज हुए हैं कि यहां पर कोई ऐसी पिक निकलती है जहां पर बिकवाली के संकेत हैं? मेटल काउंटर्स थोड़ा वीक नजर आ रहा है। अगर आप देखें कल अच्छा मुनाफा वसूली हुआ है, प्लस चाइना में जो डेटा आया था उससे भी लग रहा है थोड़ा वीक होगा, तो यहाँ पर टाटा स्टील थोड़ा लग रहा है वीक होने का आशंका है। एक 400 का टारगेट लेके अगर कोई सेल करे तो आज टाटा स्टील में थोड़ा मुनाफा आ सकता है। चलिए ठीक है, फिर पांचों के पांचों ट्रेड्स आपके देख लेते हैं जो आज आपने बताए हैं और जहां पर आप खरीदारी या बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहला जो काउंटर है वो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, कल चढ़ा गिरते बाजार में चढ़ाई काफी पॉजिटिव था इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के लिए, और अब 67.5 का लक्ष्य और 62 का एक स्टॉप लॉस। साथ ही साथ विप्रो पर दाव लगाएं, आईटी पैक में एकदम से मजबूती आई है, अब 607 तक पहुंच जाएगा विप्रो, 581 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। बैंकिंग काउंटर्स पे बिकवाली थी, आईसीआईसीआई बैंक जो है वो अभी और वीक हो सकता है, 1200 का लक्ष्य और 1226 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा सीईएससी ये बिकवाली के रडार पर है, एक अच्छी खासी तेजी के बाद कल मोमेंटम जो है वो टूटता हुआ नजर आया लेटर हाफ में, आर्ली चार्ट्स पे थोड़ा मुनाफा वसूली के संकेत मिले हैं, 505 पर जा सकता है और 520 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा मैकलॉयड रसल एक ऐसा काउंटर है जहां पर बिकवाली के संकेत है, 269 का एक लक्ष्य रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 277 का आपको लगाना पड़ेगा। तो पांच ट्रेड जिसमें तीन बिकवाली की सलाह है और दो जो है वो यहां पर खरीदारी की सलाह दी गई है। ये जो बिकवाली कल आई है इसमें जो मोमेंटम है सुमन जी वो काफी ज्यादा वीक पड़ता हुआ नजर आया, कुछ ऐसे काउंटर्स में भी जहां पर एग्रेसिव बिल्डअप देखने को मिला था सीरीज में, और उसमें सीमेंट पैक शामिल है। क्या आपने देखा यहां पर सीमेंट पैक का डेटा, अंबुजा, एसीसी, ये काउंटर्स अभी आपको कैसे लग रहे हैं? अंबुजा एसीसी अगर देखें, अगर होलसेल में लफार्ज के बाद एक सीमेंट पैक में कंसोलिडेशन हुआ है। सीमेंट पैक में अगर देखें, अगर नॉर्थ इंडिया में जो भी सीमेंट कंपनी है वो प्रॉफिट कर रही है और साउथ इंडिया में जो भी सीमेंट कंपनी है वो लॉस कर रही है, तो ये एक यूनिक पोजीशन बना हुआ है एंटायर सीमेंट पैक में। सीमेंट पैक रिलेटेड है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर नया गवर्नमेंट बनता है, पॉलिसी आता है, अच्छा पॉलिसी आता है तो इसमें पूरा अपमूव नजर आएगा। फर्दर अगर देखें सीमेंट पैक में अगर अपमूव चाहिए तो हम लोग को ये एनुअल रिटर्न जो भी है, जो भी बड़े काउंटर है जैसे एसीसी, गुजरात अंबुजा, अल्ट्राटेक, तो इसमें अगर नेक्स्ट अपमूव देखने के लिए हम लोग को कहीं ना कहीं इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होना जरूरी है। अगर रिजल्ट बहुत अच्छा होता है तभी इसमें नेक्स्ट अपमूव नजर आ सकता है। और अगर आप ओवरऑल मार्केट देखें तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपका अभी भी नेगेटिव बायस आया नहीं है कि हम लोग सेलिंग में चल जाए या बियरिश मोड में चल जाए। 6650 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है और अगेन हम लोग का सेल कॉल रहने के बावजूद वी आर सजेस्टिंग कि देयर इज अ बाइंग इन डिप्स मार्केट। चलिए ठीक है, बाइंग डिप्स की मार्केट अभी बनी हुई है। सुमन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर चर्चा करने के लिए, साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स हैं जो आज बाजार को और परफॉर्म कर सकते हैं उस पर नजरिया देने के लिए। पर अब देखते हैं कि बाजार के दिग्गज क्या मानते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर होने चाहिए, बड़े खिलाड़ी बड़े दाव।
हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। इसके मद्देनजर जो टेलीकॉम काउंटर्स है उसमें कुछ बाइंग देखने को मिल रही है, वहां पे आप टाटा कॉम को देख सकते हैं फ्रेश बाइंग के लिए। करंट लेवल्स पे आप इसको बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रखिए 290 का फॉर द टारगेट ऑफ 340। अब अंबुजा सीमेंट, आई थिंक इसमें भी काफी स्ट्रॉन्गर ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बिल्डअप हुई है, काफी डिलीवरी बेस वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, इसमें मेरे को लगता है कि एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। टोरेंट फार्मा अच्छे लगते हैं यहाँ पे, टोरेंट फार्मा पे हम एक्सपेक्ट करेंगे करीब 630 का टारगेट आना चाहिए। यू वुड एक्सपेक्ट कि अर्निंग्स जो उसका ग्रोथ होगा FY13 से 16 में 20% प्लस रहेगा, बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। सो दीज आर दी काइंड ऑफ नेम्स विच वी वुड लाइक इन फार्मा। चलिए, पंकज पांडे मानते हैं कि टोरेंट फार्मा चढ़ेगा, आप दाव लगाएं। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट पिक है पंकज जैन जी की, और साथ ही साथ टाटा कम्युनिकेशन अजीत मिश्रा की पिक है, जोरदार खरीदारी टाटा कम्युनिकेशन में होती नजर आ। साथ ही रजत मानते हैं कि यहां पर टीसीएस चलेगा अभी, और अदानी पोर्ट्स पिक है वीके शर्मा की, और इसके अलावा आशीष कुकरेजा मानते हैं कि सिप्ला पर आप दाव लगा सकते हैं। 6 बेहतरीन मुनाफे के सौदे आपको बताए गए हैं, पर अब बताते हैं 20 मुनाफे के सौदे जो आज आपको मालामाल कर सकते हैं। मनीष और विवेक हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे नाउस रिसर्च चैनल सबकी मदद करेंगे, 20 ऐसे सौदे बताएंगे जो आज आपको जोरदार रिटर्न, जोरदार कमाई करा सकते हैं। पर कल सबसे पहले इनका रीकैप देख लेते हैं, जो कल इन स्टॉक्स दिए थे वो कैसा प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कल बाजार पे गिरावट थी, पर कुछ ऐसे सौदे थे जो उन्होंने बताया जिसमें जोरदार रिटर्न मिलते हुए नजर आए। सबसे पहले यहां पर ऑप्टो सर्किट पर दाव लगाने की सलाह दी थी, टारगेट हिट होता हुआ नजर आया। गीतांजलि जेम्स बाजार को आउट परफॉर्म कर गया है, और गीतांजलि जेम्स में आज भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव। इसके अलावा तिलक नगर इंडस्ट्रीज पर दाव लगा, माइंडट्री बाजार को आउट परफॉर्म कर गया, जोरदार कमाई होती हुई नजर आई पूरे आईटी पैक में। इसके अलावा इंडिया सीमेंट्स पे जबरदस्त खरीदारी, पूरे आईटी पैक में बिकवाली थी, पर इंडिया सीमेंट पर खरीदारी की सलाह दी गई थी जी बिजनेस की ओर से, और वो बिल्कुल आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। एचजीजी में दाव लगा, तेजी बनती हुई नजर आई। एमसीएक्स पे खरीदारी की सलाह थी, और एमसीएक्स बाजार को आउट परफॉर्म कर गया। इंदाग रबड़ पर बिकवाली की सलाह, और जोरदार रिटर्न हुए। इसके अलावा लिबर्टी और टॉरेंट केबल्स कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पर जोरदार कमाई होती हुई नजर आई, और हमारे इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट ने आपको पहले ही बता दिया था कि इन काउंटर्स पे खरीदारी बिकवाली करके चल सकते हैं। पर आज बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे है एसडीएक्स निफ्टी, कैसे रणनीति बनाई? शुरुआती 3 ट्रेड्स आपके कौन से हैं मनीष? धन्यवाद। देखिए, कल भी मैंने कई मिड कैप शेयर जैसे तिलक इंडस्ट्रीज हुआ, ऑप्टो सर्किट्स हुआ, जिस पर मैंने दाव लगाए थे, और मुझे अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था शेयर में, इनफैक्ट टारगेट हिट हुए थे। आज भी मैं जो है मिड कैप शेयर पे ही दाव लगाऊंगा, हालांकि बाजार चूंकि थोड़ा ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा कमजोर हुआ है, तो मैं कुछ डिफेंसिव बाइंग के तौर पर जो है खरीदारी करने की सलाह दूँ। कल मैंने बतौर एग्रेसिव कॉल इन्फोसिस और एससीएल टेक में खरीदारी करने की सलाह दी थी, और दोनों जो है टारगेट के करीब काफी पहुंचे थे। आज भी मैं आईटी शेयर पर दाव लगाऊंगा, इसके अलावा मैं फार्मा शेयर पर आज एक बार फिर से खरीदारी करने की सलाह दूंगा। रडार पे कुछ मिडकैप शेयर भी होंगे, 10 में से 9 शेयर होंगे जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। एक बेहद पीटा हुआ काउंटर ही होगा जिसमें मुझे लगता है कि भी दबाव देखने को मिल सकता है। शुरुआत करेंगे आज के लिए पेपर प्रोडक्ट्स के साथ जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। They have a limited objective to make a certain amount of return over a predefined period that they have in their mind, and then they exit. Ours is totally to the contrary. Ours is a long-term partnership. We want to be shoulder to shoulder with the Shriram Group in building an enterprise for the long term. We want to build an enterprise which will create value for the shareholders, but will also create value for society.